अभी मैंने रियलाइज़ किया कि लास्ट टाइम मैंने कैमरा का थोड़ा मेरा सेटअप अलग हो गया था। अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो छोटे वाले दूध है ना, छोटे वाले दूध को यूज़ किया है। यहाँ पे टोन मिल गई है, ये 10 रुपीज़ का आता है। इसको मैंने इसमें अभी डाल के बॉईल कर दिया, पहले ये क्लोज था, बस अभी 2 मिनट में ये हो गया। इसको मैंने राइज होने नहीं दिया क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू बॉयल इट, क्योंकि ये निकल भी सकता है यहाँ पर जो इसका आउटलेट है ना, वाल्व टाइप का। आपको कोशिश करना है कि ये ना निकले। इसके बाद अभी इसमें हम लोग डालेंगे स्वीट के लिए, थोड़ा सा चाय के लिए इसमें अमूल डालते हैं, मिल्क पाउडर। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये अमूल है, देखिए ये मिल्क पाउडर अभी आ गया निकला। इसमें आपको थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में, एक्चुअली मैंने गलती कर दी क्योंकि इसको कप में आपको डालना था, नॉट इन द। और ये जो है ये कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हीट हो गया, और इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, वरना आपका ये आराम से 2 कप हो जाता। तो अगर ये 1 कप भी होता है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि आई नीड टू फिनिश दिस, नॉट दैट आई नीड 2 कप्स। तो आई होप आप देख सकते हैं ये सब, बस ये हो गया, काफ़ी हो गया। इसको अभी हम लोग ऑफ़ करते हैं, बस फाइनली ऑफ हो गया कम्प्लीटली। अभी इसमें हम लोग टी बैग्स डालते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप देख रहे हैं टी बैग्स, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत हैसल हो जाता है चाय बनाने में। टी बैग्स विल मेक इट रियली ईजी। और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया टी बैग बियर वाले ग्लास पे अपने। ये डोमिनोज़ के कुछ कुछ वो नैपकिन है, मैंने वो रखा हुआ है। बस आप इसको अभी अच्छे से थोड़ा, और जो रेसिड्यू आपका रह जाता है उसको कभी भी आप स्क्रेप करके मत लीजिए, क्योंकि ये कुकिंग यूटेंसिल्स जो लाइनिंग होती है ना, उनको कंज्यूम करना अच्छा नहीं होता। तो ये देखिए मैं इसमें भी डालता हूँ, और जो कुछ भी बच गया है उसको मैं स्पून से डाल सकता हूँ। चलो यू कैन गेट दिस आउट ऑफ द वे। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्विकली पानी में रिंस कर देंगे। आप ऐसे देख सकते हैं कि कुकिंग करते करते लगाई स्पून अपनी, और ये देखिए आप, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली, वेरी क्लियरली। और इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं, और अभी बाहर देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है।